अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ उर्दू। AIMIM प्रेसिडेंट और हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज साहब, AIMIM राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, AIMIM मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफ़र ख़ान साहब और AIMIM की टीम के साथ जलसाए रहमतुलिल आलमीन के जारी इंतजाम का मुआयना किया, जो कि 8 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता दारुसलाम हैदराबाद में मुकर्रर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसे रहमतुल्लिल आलमीन के तैयारियां बड़े जोर शोर से दारुसलाम में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल यानी 8 अक्टूबर 11 रबीउल अव्वल को एक अजीम शान जलसे आम जलसे रहमतुल्लिल आलमीन जेर निगरानी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अदीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खास निगरानी। चूँकि अब की मरतबा मुसलसिल बारिश चल रही है, इसके लिए सदर मजलिस ने पूरे दारुसलाम के अंदर एक बेहतरीन शेड का इंतजाम किया है, जिसको जर्मन टेंट कहते हैं। अल्लाह के फजल करम से काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं अवाम से अपील करना चाहता हूँ, शम्मे मोहम्मदिया के परवानों से अपील करना चाहता हूँ, कल यानी 11 रबीउल अव्वल को दारुसलाम में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो उसमें आप तमाम शिरकत करिए और ख़ासतौर से ख़वातीन का भी इंतजाम है। और पूरा बाज़ाब्ता यहाँ पर टोटली शेड पड़ रहा है पूरे दारुसलाम के ग्राउंड के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने ऐसा काम ले रहे हैं जमात से कि जिसकी तरफ से बहुत ही लोग यहाँ पर आने वाले हैं। मेहमान मुकर्रर भी एक UP से आ रहे हैं, एक बिहार से आ रहे हैं और सदर मजलिस का खुसूसी खिताब होगा। तो मैं फिर एक मरतबा तमाम हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना की आवाम से और अकराब अपना के जितने भी स्टेट से उन सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप कल के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में शरीक होइए और इतवार के दिन जो नातिया मुशायरा है उसके अंदर भी शिरकत फरमाइए। और ख़ास ये जो इंतज़ाम किया जा रहा है बारिश के नज़र रखते हुए, इंशाल्लाह ये काम आज रात तक मुकम्मल हो जाएगा और जिसकी निगरानी जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद अमूमी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब की खास निगरानी के अंदर और जफर खान साहब और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सब की निगरानी में शेड का काम हो रहा है। मैं फिर एक मरतबा जो भी लोग यहाँ पर जिम्मेदार काम कर रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रात दिन यहाँ पर रहकर रहमत बेग साहब जो काम करा रहे हैं, बेशक आज की तारीख के अंदर बहुत ज़रूरी था ये और वो काम मुकम्मल होने को जा रहा है। इसके अंदर जो जो लोग इसमें हिस्सा लिए हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।